आज हम आए हैं महाराजा छत्रसाल के म्यूज़ियम में, जो दोबेला में है, एमपी में। यहाँ पर 6 अलग अलग हॉल हैं जहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ रखी गई हैं, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मिली या तो खुदाई के वक्त या फिर जो मुगलों के टाइम पे मंदिर जो थे जिन पे अटैक हुए तो उसमें जो खंडित हुई वो मूर्तियाँ भी हैं। तो ये अलग अलग हॉल हैं। जैसे ये फर्स्ट हॉल में आए हैं, इसमें बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ हैं। Thank you.
इस हॉल में महाराजा छत्रसाल से रिलेटेड जो भी सामान है उस टाइम का पुराना वो रखा है उन्होंने, जैसे शोपीस है, बर्तन जो उस टाइम पे यूज़ होते थे या जो कपड़े वो पहनते थे, वो सब कुछ इस हॉल में डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, औरंगजेब के पीरियड। और ये हनुमान है, ये विष्णु है खंडित। हाँ, ये सब औरंगजेब के टाइम के। अच्छा,
पुरानी है, कहाँ से पाई गई ये वाली मूर्ति? ये वाली छतरपुर। अच्छा, 11वीं शताब्दी की है। 11वीं शताब्दी की। और ये पीछे आपके? ये विष्णु है। अच्छा। ये खंडित कर दी औरंगजेब ने, मुगलों ने। मुगलों ने सारी मूर्तियां खंडित करी है। जो भी अब यहाँ नहीं, मतलब खुद जगह आप देखिएगा, मतलब जो भी अपने मूर्तियां हैं वो मतलब मुगलों ने ही मतलब खंडित की है। मथुरा में ले लो, कहीं में देख लीजिए आप। कहाँ से आए हैं यहाँ पे देखने के लिए? हम रात मीरपुर से आए हैं। अच्छा, अच्छा लगा देख के? बहुत अच्छा। ये किसी जगह की है, मऊसामिया की है। अच्छा, इसी जगह की, यही की है मऊ की। ये शेर साई मिश्रू है। और ये भी छतरपुर की है। हाँ, 12वीं हाँ, शताब्दी की। हाँ, ये लक्ष्मी जी हाँ, पैर दबा रही विष्णु जी के। और वो गणेश पीछे? ये गणेश, ये 12वीं शताब्दी की है। हाँ, ये भी छतरपुर की है। तो मेंटेन करने के लिए इन मूर्तियों को क्या करते हो? वो केमिकल होता है। अच्छा, वो लगाया जाता है। हाँ, साल में एक बार जी। वो विष्णु, विष्णु शारदल, शारदल। ये रीवा कलेक्शन है, 12वीं शताब्दी का है। अच्छा, रीवा कलेक्शन, रीवा से है जी। बहुत ही सुंदर है मूर्तियाँ है। ये चारों तरफ ये इसी मंदिर में बैठी है। हाँ, ये कहाँ लगती थी, मतलब क्या महत्व है इसका? ये महत्व, ये जो यज्ञ होती है वो जब वो हवन वगैरह होता है तब की ये प्रतिमा है। तब की प्रतिमा है। हाँ, कि हवन कर रहे हैं जी, जी। और बहुत पुरानी है ये भी, ये 10वीं शताब्दी की छतरपुर। आयन वाला पत्थर है ये। ये तीर की नोक पे लगाते हैं इसको। अच्छा। हाँ, उससे फिर जिसको लग गया उसी हाँ, कहते हैं पॉइजन होगा जी, जी। और ये वो छोटे छोटे टुकड़े तब के बर्तन होंगे। हाँ, और वो चूड़ियाँ किसकी, मतलब बताते हैं कि उसी समय रानियों की। हाँ, और ये पुराने पत्थर, ये पुराने। ये महाराज छत्रसाल की कचहरी बिल्डिंग है। अच्छा, जिसमें ये बनाया म्यूजियम। हाँ, दरवाल लगता था। दरवाल, ये 500 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है। पेंटिंग गैलरी। ये जो रीगा महाराज थे, तो रीगा महाराज ने यहाँ के राजाओं को टिप में दिया था। अच्छा, यहाँ टिप में दिया था ये। अच्छा। हाँ, टिप में दिया था ये पेंटिंग। ये हुक्कों का पाइप था, हुक्का पी रहा। हाँ, ये हाथी का मुंह है, घोड़ा है, घोड़ा में हाथी का मुंह जोड़ दिया। ये बहुत अच्छी हाथी की लेदर की है, 3 पीस। अच्छा, जो बने हुए हैं ये ब्लैक। दो लोहे में है। ये सांप चाल तलवार, ये उनकी सेनापति की तलवार, ये गोलों का कलेक्शन। हाँ, और ये जो ऐसे, ये ऐसे हाँ, सांप चाल तलवार, सांप चाल। हाँ, अच्छा। के? ये लकड़ी की तलवार है, प्रैक्टिस के लिए, जब लड़ाई अच्छा, में जाते थे प्रैक्टिस सीखने के लिए। हाँ, सीखने के लिए। ये गुर्ज है, गुर्ज जंजीर,
ये घोड़े पे बैठते कोई शत्रु आ गया तो उसको घुमा के वायर करते थे। ये तीर, ये धनुष बाण है, ये गदा है। अच्छा हाँ। और ये नीचे वाला, ये कुलंग। अच्छा, ये भी वायर करते थे इसको। हाँ, अच्छा, ये घोड़े में ही बैठ के वो जो कुकरी है, ये दस्ताने है, ये सिर का है, ये यहाँ सामने का है बॉडी पे लगाने के लिए। लाइट नहीं है। ये नक्काशी, फरसा, बर्छी, भाला, गुप्ती, गुप्ती का कवर। ये म्यूज़ियम को जाने का जो रास्ता है, तो ये एक लेक है जहाँ पर एक तरफ महाराजा का महल है, एक तरफ महारानी का महल है, और एक तरफ ये म्यूज़ियम है जो पहले एक दरबार था महाराजा छत्रसाल का, जिसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया है। और कहते हैं कि यहाँ से जो दरबार है, यहाँ से नीचे से सुरंग का रास्ता जाता था जो राजा के महल तक जाता था। ये महारानी का महल है। ये महाराजा का महल है।